तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपने डॉग को प्यार तरीके से कैसे नहलाना है। अगर आपका डॉग भी नहाने से डरता है या बार बार भाग जाता है तो आपको उसको कैसे नहलाना है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है और ना ही उसको एकदम से ऊपर से सीधा सर में पानी डालना है। आपको बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इनके पैर धोने होंगे, फिर चेहरे में डालिए, फिर धीरे धीरे पेट, फिर उसके बाद ऊपर जाइए। इससे वो उसको लगेगा कि हाँ अच्छे से आप उसे नहला रहे हैं, वरना आपने उसको बड़ा बड़ा ऊपर पानी डाल दिया तो इससे वो डर जाएगा। सिंपल आपको बस यही करना है, बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करना है और जब आप उसको नहलाओ तो आपको बीच बीच में उससे बात भी करते रहना है कि हाँ आप अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे बच्चे की तरह खड़े हो, तो इससे आपका डॉग डरेगा नहीं और अच्छी तरह से नहाएगा। तो अभी मैं डब्बू को नहला रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है। पहले मैंने पैरों में पानी डाला, फिर उसका चेहरा धोया, थोड़ा बहुत कान धोया, फिर उसके बाद मैं पेट के बाद फिर ऊपर आया, एकदम पीठ में फिर पानी डालने आया। इससे वो पानी के लिए यूज़ थ्रू भी हो गया और कहीं भाग नहीं रहा है। देखो कितनी आराम से खड़े होकर नहा रहा है। आपको भी यही ट्रिक को फॉलो करना है, एकदम से पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। और नहलाने के लिए सबसे पहले पूरा डॉग को गीला कर लीजिए, एकदम पानी पानी कर दीजिए, पूरा गीला कर लो। फिर आपको उसको शैम्पू लगाना है, ठीक है। शैम्पू आप कोई सा भी जो आप लगाते हो वो लगा सकते हो। मैं टिकविन का यूज़ करता हूँ, ये रहा शैम्पू, तो मैं ये लगाता हूँ। ये एंटीटेक शैम्पू भी है, इससे उसका कोट भी अच्छा रहता है, बाल एकदम सॉफ्ट रहते हैं और मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है टिकविन का, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले यही आपने जो पानी से उसको गीला कर लिया है, फिर आपको शैम्पू अच्छी तरह से लगाना है हर जगह। ये तो आप खुद कर लेंगे, हर जगह अपने ऊपर पीठ में लगा दिया, उसके पेट में लगाना है, उनके हाथों में, हर जगह आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। फिर बीच बीच में पानी डालते रहिए क्योंकि जो शैम्पू रहता है उसका झाग ज़रूरी रहता है। तो जब झाग बन जाएगा तो उसके बाद आप इसमें पानी डाल के आप अपने डॉग को एकदम क्लीन कर सकते हैं। शैम्पू आपको अच्छी तरह से लगाना है और फिर आपको अपने डॉग की सफाई करनी है। आप देख लीजिए कहाँ पर वो कितना बैठता है, किधर पे कितना लेटता है, तो आप अपने हिसाब से उसके शरीर की सफाई कर दीजिए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल उसको पानी डालना है, ठीक है। शैम्पू लगा दिए और पानी डालिए। पानी आपको इस तरह से डालना है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी शैम्पू चिपका ना रहे या कहीं छापा ना रहे। एकदम पानी की कंजूसी मत कीजिएगा, जितना हो सके उतना पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। पानी डालने के बाद बस आपका डॉग टनाटन अच्छी तरीके से नहा लिया हैगा। यही टिप्स रही, आप भी एकदम फॉलो करके देखिए, आपका डॉग भी बढ़िया से नहाएगा। ये देखो बढ़िया नहा लिया है। बस चेहरे में आपको बस ये चीज़ का पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप उसका चेहरा साफ़ करें तो एकदम से मग्गे से पानी मत डालना या सटक से पाइप से पानी मत डालना। कान में जा सकता है, आँख में जा सकता है, अपने हाथ से लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको साफ़ कर दीजिए, एकदम से कभी मत डालिएगा। तो हमारा डब्बू भी एकदम नहा के रेडी हो गया है, देख लो एकदम टनाटन, किसी तरह का कुछ उसने नोटंकी नहीं करी। और नहाने के बाद इसको मैं छत में लाता हूँ तो देखो भाई नहाने के बाद कितना अच्छा लगा। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आप भी अपने डॉग को हफ्ते में दो बार तो एटलीस्ट नहा ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।